खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर मध्य प्रदेश बालाघाट लामता से। मूलभूत सुविधा से वंचित वन ग्राम टिकरिया के आदिवासी ग्रामीण लामता के पत्रकार साथियों ने टिकरिया पहुंचकर ग्रामीणों से ली जानकारी। बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा के ग्राम पंचायत बड़गांव के अंतर्गत ग्राम टिकरिया के आदिवासी ग्रामीण अपनी मूलभूत सुविधा से आज भी वंचित हैं। इस ग्राम में ना ही स्कूल भवन है, ना ही आंगनबाड़ी भवन है, ना ही स्वास्थ्य सेवा के कोई इंतजाम है। फॉरेस्ट नाका के जर्जर भवन में प्राइमरी स्कूल का संचालन किया जा रहा है। जर्जर भवन में कभी भी छात्र छात्राओं के साथ अप्रिय घटना घट सकती है। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन के किसी भी उच्च अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। इस ग्राम के आदिवासी ग्रामीण को डिलीवरी एवं स्वास्थ्य उपचार के लिए महज 13 किलोमीटर दूर चरेगांव आना पड़ता है। रोड ना होने एवं जंगली रास्ता तथा नेहरा नदी को पार करने की समस्या से जूझना पड़ता है। गत वर्ष परसवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा शिविर लगाया गया था, जिसमें ग्रामीणों को विकास कराने का आश्वासन दिया था, परंतु आज तक उनके आश्वासन में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। इस ग्राम के ग्रामीण आज भी उसी स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। ना ही इस ग्राम में कोई रोजगार है और ना ही विकास कार्य है। मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में दिया तले अंधेरे वाली कहावत यहां सही साबित हो रही है। अपने आप को गरीबों और आदिवासी का मसीहा कहा जाने वाले मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी ग्रामीण जनों को मूलभूत सुविधा से दूर रखा जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि मंत्री जी की कथनी और करनी में कितना फर्क है, स्पष्ट देखा जा सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण परसवाड़ा विकास खंड के ग्राम टिकरिया में जाकर देखा जा सकता है। लामता से शत्रुघ्न ठाकरे की रिपोर्ट। तो कहाँ के निवासी हैं? टिकरिया। अच्छा, ये टिकरिया पहुंच मार्ग है या नहीं है आपके यहाँ? अच्छा, ऐसे ही पानी में हमेशा आप नक के आते हैं? हर हमेशा थोड़ा बहुत छाता भर कमर भर पानी थोड़ा बहुत। अच्छा, जान जोखिम में डाल के आप नकते है ना? आपने किसी विधायक या सांसद से मांग नहीं किए थे कि इस गांव के लिए रोड जोड़े कह के? मांग तो किए थे सर, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दिया। मेरे गांव का रहने वाला कौन से पद में आते ना? मैं अभी पत्रकार संघ के यहां के अध्यक्ष हूं। अच्छा, आज टिकरिया ग्राम में आपके द्वारा वस्त्र वितरण किया गया, किस संबंध में वितरण किया गया? इसलिए वितरण किया गया कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देती। यहाँ बेचारे गरीब लोग रहते हैं, आदिवासी बैगा रहते हैं, और यहाँ ठंड बहुत लगती है, और इसके पश्चात यहाँ पे जो आवागमन का इन लोगों का रास्ता भी सही नहीं है, और हमेशा मैं इन लोगों के लिए सहज दौड़ लगाते रहता हूँ। और यहाँ पे जो है फॉरेस्ट के द्वारा भी मैंने इसकी आवाज़ उठाया, यहाँ जनसुनवाई भी लगवाया, उसके बाद भी ना फॉरेस्ट काम करती ना ही ग्राम पंचायत काम करती। आपका शुभ नाम? प्रवीण कुमार जैन। अच्छा, ग्राम टिकरिया में आपके द्वारा गर्म कपड़े वितरण किए गए, किस संबंध में? ये ठंड के समय में महावीर इंटरनेशनल लामता बालाहाट के द्वारा हमेशा कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जाता है, जो कि हम लोगों ने इस बार फिर किया है। और इसमें हमको कपड़े वितरण करने में लामता से आकाश मैचिंग सेंटर अशोक कुमार जैन, आकाश कुमार जैन, राजेंद्र कुमार गुप्ता, अभिषेक गुप्ता के द्वारा कपड़े वितरण के लिए दिए गए थे, जिसको हम लोगों ने सभी ने मिलकर यहाँ पे वितरण किया। अच्छा, खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुप्रीम पावर न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें, और ऐसे ही न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।